हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं अपने CSS ट्यूटोरियल का लेक्चर 2। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे, आप देख पाओगे कि लेक्चर 1 में हमने बेसिक टू एडवांस में HTML का इंट्रोडक्शन, सिंटैक्स क्या होना चाहिए, हाउ टू ऐड CSS, CSS कमेंट्स एंड हम लोग CSS कलर देख चुके हैं, ओके। एंड आफ्टर दैट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS बैकग्राउंड से। तो व्हाट इज द मीन ऑफ बैकग्राउंड यहाँ पे, तो आप देख पाओगे CSS background properties are used to add background effect for element। अगर हम अपने वेब पेज में कोई भी background effect use करना चाह रहे हैं तो at that time हम लोग use करते हैं background properties, okay? तो यहाँ पे हम discuss करने वाले हैं 4 point को। First of all रहेगा background color, second रहेगा background image, third रहेगा background repeat and 4 रहेगा अपना background attachment, okay? तो हम लोग देखने वाले हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट एंड बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखेंगे अबाउट बैकग्राउंड कलर। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने VS कोड पे, और VS कोड पे यहाँ पे आप देख पाओगे कि हम एक ले रहे हैं पैराग्राफ, एंड पैराग्राफ में अपना लॉरम इप्सुम का जो अपना बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ प्रोवाइड करवाता है वो हम देखने वाले हैं। तो इसे रन करने पे एक मिनट में इसे रन करता हूँ, आप देख पाओगे रन करने पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे अपना जो भी वेब पेज है वो यहाँ ओपन हुआ है विद ये पैराग्राफ, ओके। तो इसे हम कर क्या रहे हैं अभी, सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे कलर देखने वाले हैं, तो बैकग्राउंड कलर ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि हम अपने हेड के अंदर स्टाइल टैग यूज करते हैं, एंड स्टैक टैग में अगर हमें बॉडी पे यूज करना है, बॉडी पे यूज करना मतलब हम अपने पूरे पेज पे यूज कर रहे हैं, एंड अगर पैराग्राफ पे यूज करना है तो यहाँ पे हम सबसे पहले पैराग्राफ टैग पे यूज करते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर जो हम रखेंगे वो रखेंगे, बैकग्राउंड कलर रखने वाले हैं यहाँ पे रेड। तो इस केस में आप देख पाओगे कि हमारा इस पेज पे ये पैराग्राफ के नीचे आप देख पाओगे कि हम अपना जो है रेड कलर का जो है वो बैकग्राउंड आ चुका है, ओके। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, अपने पीडीएफ पे जाते हैं जहां से हम कंटेंट कॉपी कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे एक डिव पे जो है ना वो बैकग्राउंड कलर यूज किया हुआ है। तो हम इस कोड को भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या कि बॉडी टैग के अंदर जो भी अपना एलिमेंट है कोड का उससे कॉपी कर ले रहा हूं, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम बॉडी में उसे पेस्ट कर रहे हैं, ओके। इस केस में आप देख पाओगे कि हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड इसका जो है वो फॉर्मेट सही कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि बॉडी लिए हुए हैं हम, डिव के अंदर क्लास लिए हुए हैं फर्स्ट, एंड डिव क्लास है सेकेंड, एंड थर्ड है डिव क्लास थर्ड है, ओके। और इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक हेडिंग लिया हुआ है जो कि हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3 यहाँ पे स्पेसिफाई है। तो इस कोड को रन करने पे आप देख पाओगे कि हमारा जो है वो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एज पर आवर कोड यहाँ पे आ रहा है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि अपने डिव को अगर कर रहे हैं तो इस टाइम पे होगा क्या, हमारा जो भी डिव होगा ना वो यहाँ पे कंसीडर होगा। डिव का बैकग्राउंड कलर हम लोग रेड ले रहे हैं, ओके। तो इस केस में आप देख पाओगे यहाँ पे कि हमारा जो डिव है उसका बैकग्राउंड कलर जो है अपना वो रेड आ चुका है, ओके। उसके बाद हम देखेंगे बैकग्राउंड कलर रेड लेने पे अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ओपेसिटी करके। ओपेसिटी मीन्स आप बोल सकते हो ट्रांसपेरेंट कितना हम अपने डिव को बना रहे हैं। उस केस में आप देख पाओगे कि हम डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट पे भी क्लासेस यूज कर सकते हैं, बिकॉज अपना क्लासेस है। तो HTML में हमने पढ़ा है कि क्लासेस को हमें डिफाइंड कैसे करना रहता है। तो क्लास को डिफाइंड करने के लिए हम लोग डॉट का यूज करते हैं एंड अपना क्लास का नेम वहां पे आता है, डॉट एंड क्लास नेम। यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी भी आप बोल सकते हो कि हम अपने इस बैकग्राउंड कलर का ट्रांसपेरेंसी क्या ऐड करने वाले हैं, ओके। इस केस में आप देख पाओगे अभी हमने ओपेसिटी 0.8 लिया हुआ है एज पर आवर कोड। तो यहाँ पे देख पाओगे आप कि एट दिस टाइम अगर हम डिव को यूज नहीं कर रहे हैं और ओपेसिटी 0.8 ले भी रहे हैं एज पर आवर कोड, ओके, तो इस केस में देखोगे आप ज्यादा चेंजेस हमें नहीं लग रहा है।
तो ओपेसिटी को हम थोड़ा सा और लो करते हैं। इस केस में आप देख पाओगे कि ओपेसिटी को ज्यादा लो करने पर हमारा ये बैकग्राउंड कलर जो है वो लो होना, मतलब कि बहुत ही ज्यादा लाइट में दिखना स्टार्ट हो चुका है, जो पहले डार्क था। ओके, तो उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे ओपेसिटी अपने सेकेंड क्लास पे। तो सेकेंड क्लास में आप देख पाओगे हम लेंगे ओपेसिटी 0.5। इस केस में देख पाओगे कि एज कंपेयर टू अपना डिव वन, डिव टू जो है वो ज्यादा डार्क शो हो रहा है। एंड आफ्टर दैट हम यूज करेंगे ओपेसिटी एट आवर थर्ड क्लास। तो यहां आप देख पाओगे ओपेसिटी जो हमने, यहाँ का ओपेसिटी हम लोग 0.7 लेते हैं, तो आप देख पाओगे कि एज कंपेयर टू हमारा ओपेसिटी हेडिंग का वन, हेडिंग का टू ज्यादा शो हो रहा है, एंड हेडिंग का थ्री जो है वो उसका बैकग्राउंड कलर इससे और भी ज्यादा शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि हम अभी कंप्लीट किए हैं बैकग्राउंड कलर। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें पढ़ना क्या क्या है, तो पढ़ना है बैकग्राउंड कलर, आफ्टर दैट बैकग्राउंड इमेज, आफ्टर दैट बैकग्राउंड रिपीट, एंड एट द लास्ट हमें पढ़ना है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो हमने अभी बैकग्राउंड कलर जो है वो देखा है, फिर हम मूव ऑन करते हैं बैकग्राउंड इमेज पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे व्हाट इज द मीन ऑफ बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ है द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी स्पेसिफाई एन इमेज टू यूज द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। अगर हम कोई भी इमेज चाहते हैं कि हमारे वेब पेज के नीचे, मतलब वेब पेज में शो हो, तो एट दैट टाइम हम लोग यूज क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इसे यूज करने के लिए सिंपली हम लोग अपने VS कोड पे जाते हैं और हमारा जो ये कोड है ना, उससे फिलहाल के लिए हम रिमूव कर दे रहे हैं, एंड बॉडी टैग के अंदर जो भी हम यूज किया उसे हम रिमूव कर दे रहे हैं। और यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, सिंपली यहाँ हमें देखो, अभी हम लोग SRC यहाँ से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, SRC टैग का यूज नहीं करेंगे हम लोग, बिकॉज हम लोग अभी काम कर रहे हैं CSS में। तो एज पर दैट हम लोग एक पैराग्राफ लेते हैं। ओके, एंड पैराग्राफ पे हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि हम बैकग्राउंड कलर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हमने एक पैराग्राफ का पी टैग लिया एंड अपना प्री डिफाइंड जो टैग है उसे लिया। ओके, इसे रन करने पे आप देख पाओगे कि हमारा जो पैराग्राफ था वो यहाँ शो हो रहा है। तो अभी हमें करना क्या है कि विद द हेल्प ऑफ CSS ना हमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ इस केस में हम अभी करते हैं कि हम अपना जो ऐड करेंगे बैकग्राउंड कलर वो बॉडी में करेंगे। तो बॉडी मैंने स्पेसिफाई किया, बॉडी मीन्स हमारा वेब पेज जितना बड़ा पेज है, बिकॉज बॉडी के अंदर, बॉडी टैग के अंदर हम लोग सारा कंटेंट लिखते हैं, तो ये हर एक कंटेंट पे फोकस करेगा। और यहाँ पे हम लेंगे बैकग्राउंड इमेज नाम की जो प्रॉपर्टी रहती है वो, और आप देख पाओगे यहाँ मैंने एब्सोल्यूट पाथ से कोडविक लोगो जो है वो एक इमेज लिया हुआ है, आप ये इमेज देख पाओगे वहां पे एट दैट टाइम। तो यहाँ पे हम अपना URL आएगा एंड URL के अंदर में हम लोग कोडविक का जो लोगो है उसे हम कोडविक logo.png जो अपना वैल्यूज रहेगा उसे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ देख पाओगे कि अपना जो वेब पेज है वो रन हो रहा है, और ये देख पाओगे आप कि हमारा जो बैकग्राउंड में इमेज आना चाहिए था वो इमेज यहाँ आ चुका है। बट इस केस में आप देख पाओगे कि अपना बैकग्राउंड इमेज जो है ना वो रिपीट कर रहा है। तो इसे हम क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। और यहाँ आप देख पाओगे कि बैकग्राउंड में है अपना ये इमेज, मैं इसे दिखा रहा हूँ आप, बिकॉज ये दोनों कलर एक जगह पे मैच हो रहा है। ड्यू टू दिस आपको लग रहा होगा कि अपने पैराग्राफ पे है इमेज, बट इमेज ये बैकग्राउंड में है। इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अपना पैराग्राफ लेंगे एंड पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड ले लेते हैं। तो इस केस में आप देख पाओगे कि हमारा इमेज जो है वो बैक में है एंड अपना पैराग्राफ उसके ऊपर है। ओके, तो आप यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो इमेज टैग वो यहाँ हमने पढ़ा। एंड आफ्टर दैट हमने अभी दो पॉइंट पढ़ा है कि हम कलर कैसे ऐड करेंगे, इमेज कैसे ऐड करेंगे। अभी बैकग्राउंड रिपीट है यहाँ पे अपना थर्ड पॉइंट आप देख पाओगे, तो बैकग्राउंड रिपीट हम देखते हैं यहाँ पे। यस, ये पॉइंट है अपना बैकग्राउंड रिपीट का। तो यहाँ आप देख पाओगे व्हाट इज द मीन ऑफ बैकग्राउंड रिपीट। ओके, इस केस में हमें देखना है कि द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी रिपीट एंड इमेज बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ओके, तो इसका आप एग्जांपल यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा जो बैकग्राउंड का इमेज है ना वो रिपीटेड हो रहा है, लाइक ये इमेज है
अपना कोडविक का ये भी इमेज है और यहाँ पे भी इमेज है। इट मीन्स हमारा अगर वेब पेज जितना बड़ा रहेगा ना तो ये इमेजेस रिपीट होके आएगा। यहाँ पे तो आप देख पाओगे लाइक एक वर्टिकली समझ लो या हॉरिजॉन्टली एक लाइन में आ रहा है। अगर हमारा वेब पेज बड़ा होता लाइक इसके बाद भी कंटेंट रहता इस सिनेरियोज में तो हमारा ये इमेज जो है ना वो रिपीट होता। तो इस रिपीटेशन से कैसे हम बचते हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी जब हम लोग यूज करेंगे तो उस टाइम पे हम बैकग्राउंड इमेज ऐड कर पाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं जिससे हम बैकग्राउंड रिपीट को ना रोक सकते हैं, लाइक उसे स्टॉप कर सकते हैं। उसके लिए हम VS Code पे चलते हैं सबसे पहले और अपने बैकग्राउंड में ना बैकग्राउंड रिपीट करके एक प्रॉपर्टी आती है। बैकग्राउंड रिपीट हमें करना क्या है, नन अप्लाई करना है। आफ्टर अप्लाइंग बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नन, आप यहां देख पाओगे इसे रन करने के बाद इस कोड को रन करने के बाद हम देख पाएंगे बैकग्राउंड रिपीट शुड बी नो रिपीट, अपना नन नहीं आएगा नो रिपीट आएगा। ओके, नो रिपीट अपना प्रॉपर्टी बैकग्राउंड रिपीट ही है, उसका वैल्यू आएगा नो रिपीट। इस केस में आप देख पाओगे कि हमारा जो बैकग्राउंड का ये इमेज था ना ये अभी रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, ये यहाँ पे स्टक है। तो इसे यहाँ पे ना मैं आपको हाइट और विड्थ कैसे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि इमेज पे जब हम वेबसाइट डिजाइन कर रहे होंगे वो अभी हम देखेंगे। तो आप ये देख पाओगे कि ये इमेज अपने पूरे बैकग्राउंड को कैप्चर कर रहा है बट ये मिड में नहीं है। इसे हम सबसे पहले तो मिड में लाते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट इसके इसका जो साइज है ना उसे भी थोड़ा छोटा करके यहाँ पे इस साइड पे इसे स्टक करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्टिफाई इसे हम बीच में ले रहे हैं अभी, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करते हैं, अलाइन आइटम्स को हम लोग सेंटर करते हैं। ओके, और डिस्प्ले इसका करवा लेते हैं फ्लैक्स। इस केस पे आप देख पाओगे कि हमारा ये इमेज जो है ना वो ऊपर टच कर रहा है, लेफ्ट साइड है, हमें इसे मिड में लाना है। तो हमारा जस्टिफाई कंटेंट शुड बी सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर हो गया, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, जस्टिफाई कंटेंट हो गया, अलाइन आइटम्स सेंटर, और यहां पे हमें करना क्या है ना टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर ले। टेक्स्ट अलाइन को सेंटर करते देख पाओगे कि हमारा जो भी ये लॉरेन इप्सुम का जो भी अपना पैराग्राफ था वो भी सेंटर में आ चुका है। तो इस केस में अभी इसे ना मैं सेंटर में नहीं करके इस इमेज को सेंटर में नहीं करके राइट में करता हूं। तो इसके लिए हम लोग इसे सबसे पहले रिमूव कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन शुड बी सेंटर। यहां पे हम देख पाएंगे कि बैकग्राउंड अपना जो था यहां पे कि बैकग्राउंड रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस टाइम पे हम देख पाएंगे कि बैकग्राउंड हमारा रिपीट नहीं हो रहा है बट वी वांट कि हमारा ये वैल्यू जो है ना इसे हम यहाँ ले लेते हैं एज अ लोगो टाइप में, यहाँ हम स्पेसिफाई कर देते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले बैकग्राउंड साइज जो है ना उसे कंटेन कर लेते हैं। ओके, बैकग्राउंड साइज को कंटेन करने के बाद हमें यहाँ अपना दो लाइन का कोड रहेगा अपना कि इसे हम शो कहाँ करना चाहते हैं, तो एट दैट पॉइंट हम शो करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि इसके ना पोजीशंस को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड पोजीशन जो लेंगे, बैकग्राउंड पोजीशन हम लोग राइट ले लेते हैं एंड सेंटर ले लेते हैं, राइट में ना सेंटर पे वो शो करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट इसे हम करते क्या है ना कि मार्जिन ना राइट प्रोवाइड करवा देते हैं 200 पीएक्सल का। तो मार्जिन राइट right, 200 पीक्सल्स। तो आप देख पाओगे कि यहां अपना वैल्यूज शो होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, रिपीटेशंस अपना यहां तक जो बैकग्राउंड रिपीट हो रहा था वैल्यूज वो रिमूव हो चुका है। एंड अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ बैकग्राउंड अटैचमेंट। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि बैकग्राउंड अटैचमेंट है अपना नेक्स्ट पॉइंट। द बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर द बैकग्राउंड इमेज शुड बी स्क्रोल्ड और फिक्स्ड। इट मीन्स जब हमारा वेब पेज ये बनेगा ना, ये पेज तो अभी सिंगल लाइन का है, जब ये बहुत बड़ा बनेगा तो अपना ये इमेज जो है ना यहाँ पे वो फिक्स्ड रहना चाहिए या स्क्रोल के साथ ना अप चला जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि अभी हम इसे यहां से कॉपी करते हैं। ओके, पैराग्राफ को
एंड इस पैराग्राफ को ना 10-12 से हम ना पेस्ट करते हैं यहाँ पे कि हमारा वेब पेज ना थोड़ा बिग साइज में हो जाए। ओके इसका फॉर्मेट करते हैं सही, Alt Shift F से इसका फॉर्मेट भी सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा बैकग्राउंड ना बिग भी हो चुका है। ओके देख रहे हो ना बहुत सारा वैल्यूज यहाँ आना स्टार्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे आप देख पाओगे इसके साथ साथ अपना ना ये जो लोगो है ना वो भी बिग होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसे हम लोग फिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ, यहाँ देखो बैकग्राउंड अटैचमेंट को ना फिक्स कर देंगे। ओके तो अपना जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड अटैचमेंट को हम लोग यहां पे फिक्स्ड कर दे रहे हैं। अब आप देख पाओगे इसमें चेंजेस देख पाओगे कि अपना जब ये कोड रन होगा तो ये अटैचमेंट ये वैल्यू जो है ना वो फिक्स्ड रहेगा यहां पे। ओके ये वैल्यूज अपना यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा। तो इस टाइम पे थोड़ा बहुत हम कोड को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे कोड को मॉडिफाई के तौर पे हम करेंगे क्या, ये मार्जिन राइट वैल्यूज रिमूव कर दे रहे हैं, ये कहाँ पे शो होना चाहिए वो भी रिमूव कर दे रहे हैं, अपना बैकग्राउंड साइज जो कंटेन रहना चाहिए वो भी रिमूव कर दे रहे हैं, और हम लोग बस टेक्स्ट अलाइन जो सेंटर है उसे भी रिमूव कर दे रहे हैं फिलहाल के लिए। हमें अभी इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ रहे हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट को। तो हाँ अभी ये रन होगा, हमारा ये पेज रन हो चुका है एंड एट दिस टाइम आप देखोगे कि ये वैल्यू जो है ना अपना वो फिक्स्ड रहेगा। ओके मैं वेब पेज को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ जिससे पता चलेगा बहुत ही बेटर वे में। इस टाइम पे हम करेंगे क्या कि हम अपने इस पूरे पैराग्राफ को एक बार फिर से कर लेते हैं कॉपी एंड इसे करेंगे पेस्ट। इसे यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं और इसे कर लेंगे पेस्ट फिर से, कंट्रोल सी किया मैंने और इसे यहाँ फिर से कर रहे हैं पेस्ट और इसे रन करने पे आप देख पाओगे कि अपना वैल्यू देखो अपना ये सारा वैल्यूज तो बिग हो गया, इसे रन करने पे भी ना मूव करने पे भी ना अपना जो बैकग्राउंड इमेज रहेगा ना वो फिक्स रहेगा। तो इसे एक टाइम और हम पेस्ट कर दे रहे हैं ये अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ जब हमारा पेज फिर से रिफ्रेश हो रहा है अभी आप देख पाओगे कि हमारा ये वैल्यूज ना आप देख पाओगे कि जब जब अपना पेज ये स्क्रॉल बार अप भी जा रहा है लाइक वैल्यूज अप भी जा रहा है ना तो हमारा ये इमेज जो है ना बैकग्राउंड का वो वहां का वहीं रह रहा, ये अपना वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। इसके लिए 1 मिनट हम एक न्यू पैराग्राफ लेते हैं, एक न्यू पैराग्राफ यहां हम लोग कंसीडर करते हैं। पैराग्राफ लेने के बाद यहां हम लिखते हैं स्टार्ट एंड एक पैराग्राफ लेते हैं लास्ट में जिसे हम लिखेंगे एंड, एक पैराग्राफ कंसीडर करते हैं उसे लिखते हैं लास्ट। बस यहां आप देख पाओगे इस पॉइंट पे हमारा ये वैल्यूज पूरे समझ में आ जाएगा अपने को कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है अपना पैराग्राफ का, अपना वेब पेज समझ लो स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे लास्ट हो रहा है, बट हमारा जो ये बैकग्राउंड का इमेज है ना ये फिक्स्ड है। इसका जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ अप्लाई किया है इस केस में आप देख पाओगे कि ये ना फिक्स्ड है, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड है, तो ये बैकग्राउंड यहाँ से कभी रिमूव नहीं होगा। हम लोग कितना भी स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे बट हमारा बैकग्राउंड वही होना चाहिए। ओके तो अभी हम थ्योरी की तरफ मूव ऑन करते हैं। फिर आप देख पाओगे कि आज हमने बैकग्राउंड अटैचमेंट एंड बैकग्राउंड के रिलेटेड CSS में जो भी पॉइंट्स होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम अभी कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं बॉर्डर मार्जिन पैडिंग। ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल। Thank you for watching this video.